बता देती हूँ डेट क्या है। तो डेट है आज 27 फेब, और आज हमारे यहाँ इलेक्शन है, वोट डालना है। तो टाइम हो रहा होगा अभी 2 से 2:30 का, और हम लोग रास्ते में हैं अभी, और ये देख सकते हो रास्ते में हैं। और सुबह हमारी पहले प्लानिंग मतलब कुछ और थी, और ये था कि जाएंगे ही जाएंगे, और फिर इन्होंने बोला कि नहीं वोट डालने चलना है तो ज़रूरी है। तो बस ये और मैं ही जा पा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा नहीं आ पाए हैं, उनको कहीं बाहर का उनका प्लान है। एक्चुअली पापा हमारे तीर्थ करने जा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान से वो नहीं आ पाए हैं, और उनको निकलना था तो सारी तैयारियां भी करनी थी, तो मम्मी भी नहीं आ पाई हैं, और हम दोनों ही निकले हैं, और आते हमारे साथ है। और अक्षत को तो पता ही है कि जब पापा घर पे होते हैं तो उसको तो कहीं जाना ही नहीं हमारे साथ, तो उसने पहले ही अपना प्लान हमें बता दिया कि नहीं मम्मी आप लोग जाओ, हम पापा के पास ही रहेंगे घर पे, तो वो घर पे ही है। और सुबह नाश्ते में मैंने सिंपल सा पराठा वगैरह ही बनाया था, तो हम लोगों ने खाया पिया, फिर दोपहर में भूख ही नहीं थी तो लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, और अभी ये बोल रहे हैं कि बढ़िया है चलो कुछ खाया पिया नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का फील होता है, बहुत ज़्यादा लंच है और ब्रेकफास्ट है सब कुछ हैवी हो जाता है ना, तो फिर पूरा दिन भारी भारी सा सब कुछ लगता रहता है। और धूप बहुत तेज हो रखी है, और ये ना मैं साइड में बैठी हूँ ना, तो इधर साइड से पूरी धूप मेरे ऊपर ही पड़ रही है, तो आत्या को मैंने इस तरीके से दुपट्टे से अपने ढक लिया है क्योंकि ये सो रही है, और गाड़ी में तो इसको इतना नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, झूला समझ करके ना सोना स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग अप्रोक्स पहुँचने वाले भी हैं, क्योंकि और बातें करते करते पूरा हमारा सफ़र एक घंटे में पहुंच गए हैं, और थोड़ी ही दूर और बचा हुआ है, और बात करते करते पता ही नहीं चला कब निकले और कब पहुंच गए, तो ऐसा ही होता है जब बातों में लग जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता है। और ये देखो ये ड्राइव कर रहे हैं, और ये वोट डालेंगे, और मेरा तो वोटर आईडी यहाँ है ही नहीं है मेरे ससुराल में अभी, और वो मेरा मायके में बना हुआ वोटर आईडी, तो मैं वहीं से अभी वोट डालती हूँ, अभी मेरा यहाँ लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं पता नहीं डाल पाऊंगी कि नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर आज मतदान करने वाले हैं। तो बस आज हम दोनों लोग जा रहे हैं वोट डालने, और चलो फिर पहुँचते हैं थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी देर के बाद अगर टाइम मिला तो ज़रूर बात करूंगी, नहीं तो फिर आपको बैक कैमरे से सब कुछ दिखाती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। चलो फिर मिलते हैं। हम गांव पहुंचने वाले हैं, और देख सकते हो गांव पहुंचते ही ना जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अभी रोड के दोनों साइड आपको दिख रहे होंगे हरे भरे पेड़, और गांव ऐसे ही होता है हरी भरी हरियाली के बीच में, खेतों के बीच में घर, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बताऊं सच में, मेरा जो ससुराल है ना, तो मैं ससुराल में जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं शादी करके फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, और वही वाली फीलिंग आती है। और ससुराल में जब मैं पहली बार आई थी तो सब कुछ अनजाना सा लगता था, लेकिन अब बस इतना ही बदल गया है कि इतने बीते सालों में ना बस सब कुछ अब अपना सा लगता है, और सारे रिश्ते नाते सब कुछ अपने से लगने लगे हैं। और यही जब हम शुरुआत में आते हैं तो बड़ा अजीब अजीब सा सब कुछ लगता है। और मैं अभी खाती हूँ कि खेतों में सरसों खूब पीली पीली सी फूली हुई है, पीले पीले सरसों के फूल दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यू ना, तो ऐसे लगता है कि विंडो से बस सब कुछ देखते ही रहो, इतना अच्छा लगता है। हमारे गांव के पास जो है वो पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन अब हमारे घर तक बिल्कुल पक्की सड़क बन गई, तो और भी अच्छा लग रहा है, एकदम बदला बदला सा मेरा ससुराल मुझे इस बार लगने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाऊँ और देखूँ फिर। तो हम लोगों को बस बहाना होता है गांव आने का, तो कुछ ना कुछ बहाना मिल ही जाता है, और आज का जो बहाना है वो मतदान करने का है, तो मतदान करना हमारा अधिकार होता है, और हम दोनों पति पत्नी जो है मतदान करने पहुंच गए हैं, अपना अपना मत देने पहुंच गए हैं, और बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। मुझे तो हमेशा वोट डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड जब मेरा वोटर आईडी फर्स्ट टाइम बना था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वोट डालने के लिए, और पहली बार मैंने अपने चाचा जी के ग्राम प्रधान में जब चाचा खड़े थे उनको ही पहली बार मैंने वोट होके उठ गई ना। कहाँ पहुँच गई, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई है न।
ना। देखो अभी तुमको क्या क्या दिखेगा। मैं मेरे ससुराल पहुंच गई हूँ और ये देखो सामने हमारा घर दिख रहा है। और रास्ते में इतने ज्यादा इस समय सरसों खिली खिली है ना, पीले पीले फूल पूरे पेड़ों पे दिख रहे हैं। और अभी दोपहर का ढाई बज रहे होंगे तो पहुंच गए हैं। और ये बस थोड़ा सा रास्ते को ठीक कर रहे हैं ताकि हम अपनी गाड़ी जो है वो अंदर ले जा सके। आद्या आ गई हो, कहाँ आई हो आद्या? नीचे उतरते हैं और घर के अंदर चलते हैं। फिर अभी अंदर जाएगी ना गाड़ी। और क्या, रानी इस टाइम पे सब आराम कर रहे हैं दोपहर। हमने घर से जो सामान हमें लेना था वो हमने ले लिया है एंड कार में रख लिया है। और आद्या को यहाँ पे लगी थी प्यास तो मैं उसको पानी पिला रही थी। एंड अब हम लोग जा रहे हैं दादी के घर, थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद वहीं पर लिस्ट जो है वो आई हुई है वोट वाली, तो वहीं से लिस्ट भी लेंगे और फिर वोट डालने जाएंगे। तो दादी जी हमारी यहीं पर रहती हूँ और अभी मैं आपको बहुत ही ख़ास इंसान से मिलाऊँगी, तो आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस देख सकते हो और देना इनको खूब परेशान कर रही है और अक्षत नहीं आया हुआ है, तो हमारा थोड़ा सा टेंशन कम है क्योंकि बच्चे ही संभालना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अभी थोड़े से हम लोग रिलैक्स हैं एंड ये आगे आगे चले जा रहे हैं और मैं बस पीछे पीछे जा रही हूँ। और चलो फिर दिखाती हूँ, सामने ही हमारी दादी जी बैठी हुई है और आद्याना अभी थोड़ा सा शर्माती है जब ये पहली बार किसी से मिलती है ना, पहली बार इन द सेंस काफ़ी दिनों बाद अगर किसी से मिलती है तो थोड़ी देर तक ये कम्फर्टेबल नहीं होती है, बट थोड़ी देर के बाद फिर ये आराम से कंफर्टेबल हो जाती है। तो ये हैं दादी जी और ये बैठ गए हैं और लिस्ट में देख रहे हैं कि हमारा नाम कहाँ पर है क्योंकि इनको वोट डालने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो नहीं बात नहीं बात यार क्या है भैया, एक दिन की छुट्टी में बहुत मुश्किल होता है उपजाऊ इलाहाबाद तक होते तो आ गए हैं दादी के घर में। तो दादी वोट डाल के आ गई हैं और इस बार बहुओं का नाम आया ही नहीं वोटर लिस्ट में। वैसे मेरा नाम है यहाँ पर, मुझे आकर के पता चला कि मेरा नाम है लेकिन आया नहीं वोटर लिस्ट में, दीदी का भी नहीं आया, तो हम दोनों लोगों ने आज वोट नहीं किया है। और बस हम दोनों लोग बाहर आए हैं और यहाँ से देखे धूप कितनी अच्छी, क्या क्या लगा रखे, कितने सारे प्लांट्स है। ये सूरजमुखी है ना, ये वाला आप लोग बताइए। हाँ लेकिन बड़ा बड़ा काफी ज्यादा भी तो लगा है, ये सरसों लहसुन है बोई है ना, टमाटर लगा तो ये बढ़िया है। यहाँ सब्जी का बड़ा आराम है ना, हमारे यहाँ सब्जियों का खूब आराम है। वही भैया कहते हैं ना, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बढ़िया घर सब सब्जी लेते और आप लोग इग्नोर करिएगा, हम लोग घर में आपस में ऐसे ही बोलते हैं आपस में हमारी ऐसे ही बातें होती है ना। हाँ और ये सरसों है लगी बीच बीच में, गुलाब लगे हुए बहुत अच्छा लगता है। दीदी यहाँ आके खूब फोटो खींचो। दीदी तो बता थोड़ा, एक दिन आई थी उस दिन येलो साड़ी पहनी थी, जो है येलो साड़ी में येलो येलो फूल में एकदम येलो येलो होंगे। बसंत पंचमी मना रहे थे, बसंत पंचमी थी। हाँ और पीछे देख सकते हैं पूरा पीछे ऐसे खेत पड़ा हुआ, बहुत अच्छा लगता है। हमारा गांव और हमारा घर एकदम ना फार्म हाउस टाइप लगता है, मतलब जैसे इमेजिन करो ना कि बड़ा सा बंगला बना हो और उसके चारों तरफ खेत हरियाली सब कुछ ऐसे। और सिटी में कितना भी अच्छा घर बन जाए ना, ऐसा घर नहीं बन सकता जैसा गाँव में मिलता है। तो ये देख सकते हो।
बस कुछ बातें दीदी मुझे बता रही हैं, कुछ बातें मैं उनको बता रही हूँ। तो ये है मेरी जेठानी जी, आप लोग भी मिल लीजिए। और जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे, शायद उन्होंने एक बार मेरी वीडियो में मेरी जेठानी को देखा भी होगा, बट उतना अच्छे से नहीं देख पाए होंगे, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। ये है मेरी जेठानी जी, आप भी मिल लीजिए। एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारे बीच, ज़्यादा हम भी मिले नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। किसी लड़की की शादी होती है ना, तो ससुराल ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है, और मतलब एक्साइटमेंट भी बहुत होता है कि यहाँ पर ये देख लो क्या है, ये किसका घर है, वो किसका घर है। तो मुझे भी बहुत होता था, और छुप छुप के देखना पड़ता था कि किसका किसका कौन घर है। और पहले तो घर के ही लोगों को नहीं पहचानना होता था कि घर के लोग कौन है। पापा बोला करे तो मुझे लगा करे ये है, इन पापा की और इनकी आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। अच्छा। तो चलो फिर आद्या, वो देखो आद्या क्या रूम में क्या तहलका मचाई है दीदी के, देखिए क्या टेडी वेडी बियर सब लेके आ गई। कुछ मिल गया क्या? क्या है ये टेडी? टेडी टेडी है। फ्रेंडशिप नहीं की तुम बड़ी मम्मी से? बोल दो, अभी चॉकलेट खाएंगी तुम। बस यहीं पे देखिए, यहीं कहीं टमाटर दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ है, अभी पोपड़ी बहुत बड़ा बड़ा है। दिखा, एक तो तोड़ के दिखाती हूँ। दिख रहा है? और ये देखिए कितना बढ़िया कच्चा कच्चा टमाटर है। पका भी होगा देखिए, हमारी क्यारी में मतलब रेड टमाटर लाल हुआ है कि नहीं? बहुत अच्छे हैं यार, लगे है ना। देख सकते हो कितने बढ़िया टमाटर फैले हुए हैं, और देख के ना लालच लग रहा है, ऐसा लग रहा है तोड़ करके इनको लेती जाऊं और वहीं जा करके फिर इनकी सब्जी बनाऊं। तो कुछ इस तरीके से है हमारी क्यारी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी तो सबको अट्रैक्ट करती है और मुझे भी करती है। तो चलो फिर हम लोगों ने टमाटर तो तोड़ लिए हैं, और मन करेगा तो ऐसे ही खाएंगे। पहले बचपन में क्या होता था ना, टमाटर ऐसे ही नमक लगा कर हम लोग खाते थे, बस जस्ट पेड़ से तोड़ करके। तो बचपना कभी कभी याद करने का मन करता है। और लहसुन की पत्तियां भी देख के लालच लग रहा है, क्योंकि अभी भी जैसा कि आलू मटर का सीजन चल रहा है, ऐसा लग रहा है लहसुन की पत्ती तोड़ कर ले जाओ और पीस करके आलू मटर या फिर चने के साग के साथ खाओ। तो मैं थोड़ी सी पत्ती हो सकता है ले भी जाऊं, और मैं देख रही थी कि इसमें कैसी स्मेल आ रही है इस फ्लावर में। और बस अभी शाम का टाइम हो गया है, यहाँ से हम निकलने का समय हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हल्का हल्का से शुरू हो गया है, और वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं आ रही, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, और फिर आपको पहुंच करके थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और दादी और मेरी जेठानी जी दोनों लोग गेट पर खड़े हुए हैं, हमें छोड़ने आए हुए हैं। आज इन्होंने तो अपना मतदान पूरा कर लिया, बट मैं वोट नहीं डाल पाई हूँ, तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। सोचा, ये नहीं सोचा था कि ये मुझे मिलेगा। और यहाँ भी मेरा नाम था बट लिस्ट नहीं आई, और नाम वोटर आईडी में पड़ गया था लेकिन लिस्ट नहीं आ पाई थी, और मायके भी नहीं जा पाई हूँ डालने वोट, तो बस नहीं हो पाया आज। और चलो फिर निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ से मैं निकल रही हूँ। छू रही थी इसको। अभी टाइम हो रहा होगा 7 बजे का, और हम लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं, और देख सकते हो अंधेरा हो चुका है। तो अंधेरा होते होते फाइनली हम लोग पहुंच भी गए हैं। और चलो फिर मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आदिया।